देखिए गाइस, इसमें आज तक चैनल दिखाई दे रहा है और उसमें मैंने चेंज किया था तो एबीपी न्यूज चैनल्स उसमें चल रहा है और इसमें आज तक चैनल चल रहा है। गाइस, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हम एक फ्री डीटीएच से हम दो टीवी कैसे चला सकते हैं और खास बात यह है दोस्तों कि हम दोनों टीवी में अलग अलग चैनल्स देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, तभी आपको सारा कुछ समझ में आएगा। तो दोस्तों, अभी मैं नहीं कहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको लगता है कि हाँ दोस्तों, मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी है और ये सही इन्फॉर्मेशन दी है, तभी दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, एक और चीज़ है, सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा क्योंकि हमारे चैनल पर इसी तरह के वीडियोस देखने को मिलते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि हम एक फ्री डीटीएच से हम दो टीवी कैसे चला सकते हैं और दोनों में अलग अलग चैनल्स भी हम देख सकते हैं। दोस्तों, ये जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ, दो नहीं, चार नहीं, आठ नहीं, दस से भी ज़्यादा टीवी अगर हम चाहें तो चला सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल तरीका है दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कैसे हम कर सकते हैं। फिलहाल दोस्तों, देख सकते हो मेरे पास है एक LG का CRT टीवी और दूसरा है दोस्तों Realme का 32 इंच टीवी। अगर आपके पास कोई सा भी टीवी है तो कोई मैटर नहीं करता है, स्मार्ट टीवी हो, CRT टीवी हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ जो फ्री DTS यूज़ करते हैं उन्हीं के लिए है। अगर आप कोई और DTS यूज़ करते हो तो उसके लिए दोस्तों प्रोसेस दूसरा होता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको प्रैक्टिकली सब कुछ समझा देते हैं कि कैसे हमें कनेक्ट करना है। तो उसके लिए दोस्तों हमें कुछ इक्विपमेंट की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि कौन से इक्विपमेंट हमें चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों, ये एक वायर चाहिए दोस्तों, आपको जो डिस एंटीना से जो वायर आती है उस तरह का एक छोटा सा टुकड़ा वायर चाहिए। अगर आप दोस्तों एक कमरे से दूसरे कमरे में आप दूसरा टीवी चलाना चाहते हो तो आपको उतना बड़ा वायर लेना पड़ेगा और दोनों में दोस्तों कुछ इस तरह से कनेक्शन करना पड़ेगा, जो कि हमारे सेटअप बॉक्स में ये जो लगता है इसको हमें कनेक्ट करना होगा दोनों साइड। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको पूरा प्रोसेस बता देते हैं कि कैसे ये सब कुछ कनेक्ट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने टीवी के पास और अपने सेटअप बॉक्स के पास। तो यहाँ पर देख सकते हो दो टीवी हमारे पास रखा हुआ है और दोस्तों, मैं आपको दोनों टीवी में लाइव चैनल्स भी चला कर दिखाऊंगा और दोनों टीवी में दोस्तों अलग अलग चैनल्स भी चला कर दिखाऊंगा। तो सबसे पहले दोस्तों, हमारे पास दो सेटअप बॉक्स होना चाहिए। यहाँ पर देख सकते हो, ये सेटअप बॉक्स 1 और ये सेटअप बॉक्स 2। यहाँ पर दोस्तों हमारे पास दो फ्री DTS सेटअप बॉक्स है। अब दोस्तों, आपको क्या करना है दोस्तों, हमारे पास एक ही इनपुट आया हुआ है। जैसे दोस्तों, छतरी से जो वायर आता है वो एक ही वायर आया हुआ है। तो हमें क्या करना होगा दोस्तों, एक ही एंटीना से हम दो सेटअप बॉक्स को कनेक्ट करेंगे और दोनों सेटअप बॉक्स का जो चैनल्स है, दो सेटअप बॉक्स का जो वायर है, वो हम दो टीवी के साथ कनेक्ट करेंगे। तो हमें क्या करना होगा दोस्तों, यहाँ पर सेटअप बॉक्स के पीछे साइड, यहां पर देख सकते हो फ्री DTS सेटअप बॉक्स के साइड दो तरह के हमें LNB इन और आउट करने का ऑप्शन दिखाई देता है। तो ये फर्स्ट वाला हो गया LNB इन और ये हो गया LNB आउट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, आपको क्लियर भी दिखाई दे रहा होगा, LNB इन करके लिखा हुआ है इसके ऊपर और LNB आउट इसके ऊपर करके लिखा हुआ है। तो हमें क्या करना होगा दोस्तों, जो छतरी से वायर आया हुआ है उसको हमें LNB इन में कनेक्ट करना होता है और उसके बाद जो हमने आपको दिखाया था, जो छोटा सा हमने टुकड़ा लिया था इस वायर का, तो इसको हमें आउट वाले में कनेक्ट ऐसे कर देना है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या कर लेते हैं, LNB आउट वाले में हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं। आपको यहाँ पर कनेक्ट करने के बाद हम आपको दिखा भी दे रहे हैं, LNB आउट को हम यहाँ पर कनेक्ट कर दे रहे हैं। अब छतरी से जो वायर आया हुआ है उसको हम LNB इन में कनेक्ट करेंगे और इस वायर का जो दूसरा साइड है, इस वायर का जो वाइट वाले वायर का, उसको हम क्या करेंगे दोस्तों, दूसरे नंबर वाले जो सेटअप बॉक्स है उसके इन में हम कनेक्ट करेंगे। उसका जो इन है दोस्तों, यहाँ पर LNB इन करके इसमें लिखा हुआ है, इसमें हम कनेक्ट कर दे रहे हैं। तो आपको हम यहाँ पर क्लियर कनेक्ट करने के बाद हम आपको सब कुछ फिर से दिखाएंगे दोस्तों। तो अभी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप वीडियो को फॉरवर्ड मत कीजिए, आप यहीं से सब कुछ हम आपको लास्ट में भी दिखाएंगे। यहाँ पर देख सकते हो LNB इन में इसमें हमने कनेक्ट किया हुआ है और इसका जो हमने LNB आउट में कनेक्ट किया हुआ है और ये जो छतरी से ये वाली वायर आई हुई है जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो इसको हम इन में वाले में कनेक्ट कर दे रहे हैं। तो अब दोस्तों हम आपको जूम करके फिर से दिखा दे रहे हैं, दोनों सेटअप बॉक्स एक साथ में रखा हुआ है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं जूम करके। तो ये रहा दोस्तों LNB 1 वाला है दोस्तों, जो कि हमारे एंटीना से ये ब्लैक वाली वायर जो है वो आई हुई है और यहाँ पर LNB आउट में कनेक्ट हुई है, सेटअप बॉक्स 1 है और यही वायर वाला जो वाइट वाला जो वायर है ये LNB आउट में कनेक्ट हुआ है और यही वायर जो क्या हुआ है दूसरे वाले सेटअप बॉक्स के LNB इन में कनेक्ट हुआ है, आप यहाँ पर देख भी पा रहे हो दोस्तों। अब हमें क्या करना होगा दोस्तों, इसका जो ऑडियो वीडियो केबल है वो हम इस टीवी के साथ कनेक्ट करेंगे और इसका ऑडियो वीडियो जो केबल है वो इस टीवी
के साथ कनेक्ट करेंगे और दोनों में हम पावर सप्लाई देंगे और ऑडियो वीडियो केबल कनेक्ट करने के साथ और दोनों में हम चैनल्स भी चला कर दिखाते हैं। तो चलिए दोस्तों, कनेक्ट करने का आपने सारा प्रोसेस तो देख ही लिया होगा, तो इसका ऑडियो वीडियो केबल कैसे कनेक्ट करना है ये भी हम आपको दिखा देते हैं कैसे हम कनेक्ट करना है। इसका जो क्या करना है दोस्तों, हमें येलो वाला येलो में कनेक्ट करना है और रेड वाला रेड में कनेक्ट करना है। इस तरह से हम कनेक्ट कर दिए हैं। ये CRT टीवी के साथ हो गया और ये दोस्तों और इसको हमें कनेक्ट कर दे रहे हैं दोस्तों हम अपने Realme TV के साथ। तो ये हो गया कनेक्ट। अब चलिए दोस्तों, अब फाइनल स्टेप जो बचा है वो है पावर सप्लाई देने का, जो टीवी में पावर सप्लाई देना है और कैसे ऑन करते हैं उसके बाद में आपको दिखाते हैं दोनों में लाइव चैनल्स चला के। सो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, हमने इस टीवी को पावर सप्लाई दे दिया है, वो ऑन हो चुका है। अभी उसमें कुछ प्रोसेस बाकी है वो हम आपको दिखाते हैं। हमें दोस्तों इस टीवी के रिमोट से AV बटन को सेलेक्ट करना होता है, तो यहाँ पर हम AV बटन सेलेक्ट किए हैं और यहाँ पर देख पा रहे हो दोस्तों उसमें जी न्यूज़ चैनल्स जो है वो आपको चलता हुआ दिखाई दे रहा होगा। जब तक ये टीवी ऑन होता है तब तक हम आपको जूम करके दिखा देते हैं। गाइस देख पा रहे हो दोस्तों, इस टीवी में जी न्यूज़ चैनल जो है वो चल रहा है। अब थोड़ा सा हम आपको बैक करते हैं और इस टीवी को हम भी दोनों को एक साथ हम प्ले करके दिखाते हैं। और इस टीवी को भी ऑन होने में थोड़ा सा समय लगता है, एंड्रॉयड टीवी है। तो टीवी ऑन हो चुका है दोस्तों। अब चलते हैं हम इसके इनपुट को और सेलेक्ट करते हैं यहाँ पर AV। अब यहाँ पर देख पा रहे हो दोस्तों, इस टीवी में जो है चैनल्स जो है दूसरी चैनल्स आ रही हैं, तो इसमें अभी हम चैनल्स चाहें तो हम चेंज करके दिखाते हैं। देखिए गाइस, इसमें आज तक चैनल्स दिखाई दे रहा है और उसमें मैंने चेंज किया था तो ABP न्यूज़ चैनल्स उसमें चल रहा है और इसमें आज तक चैनल चल रहा है। इसका अगर हम चैनल चेंज करते हैं दोस्तों तो देख सकते हो सिर्फ उसी का चैनल चेंज हुआ, उसमें न्यूज़ 18 इंडिया लग गया। अब इसमें दोस्तों हम चैनल चेंज करते हैं फिर से, तो यहाँ पर देख सकते हो आज तक, रिपब्लिक भारत, ये भी आ गया। अब देख सकते कितना सिंपल है दोस्तों, दोनों में अलग अलग चैनल्स आ रहे हैं और दोनों टीवी आसानी से चल भी रहे हैं। और इसके साथ दोस्तों मैं आपको बता दें, अगर आपको तीसरा सेट टॉप बॉक्स को कनेक्ट करना है तो हमें क्या करना होगा दोस्तों, ये जो दूसरा सेट टॉप बॉक्स है इसका आउट वाला क्या करना है, तीसरे सेट टॉप बॉक्स के इन में लगेगा। इसका आउट जो है उस तीसरे सेट टॉप बॉक्स के इन वाले में लगेगा LNB वायर। उसके बाद दोस्तों आप तीसरे टीवी को भी चला सकते हैं, चौथे टीवी को भी चला सकते हैं, पांचवे और जितना टीवी आप 10-12 जितना टीवी ऐड करना चाहते हैं आप ऐड कर सकते हो। आपका दोस्तों जो छतरी है वो एक ही छतरी रहेगा, आपका टीवी अलग अलग चलता रहेगा। ठीक है गाइस, तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो बोल रहे हैं दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो हमारे चैनल पर देखने को मिलते रहते हैं। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।